गायत्री ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। हम भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राज्य के नीति निदेशक तत्वों का अध्ययन कर रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने अनुच्छेद 36 से 43 तक राज्य के नीति निदेशक तत्वों का अध्ययन किया। आज हम अनुच्छेद 44 से आगे के अनुच्छेदों का अध्ययन करेंगे। देखिए, अनुच्छेद 44 आर्टिकल 44, इसमें उल्लेख किया हुआ है कि राज्य समान नागरिक संहिता को लागू करेगा। राज्य समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करेगा। अब देखो, आपके सामने एक प्रश्न है कि क्या चीज होती है समान नागरिक संहिता, क्या है ये, क्या होता है। देखिए, आप देखेंगे कि हमारे जो न्यायिक संबंधित कोई भी पालिका होते हैं प्राय दो प्रकार से हैं, जिसमें व्यक्तिगत तौर पर हम प्रभावित होते हैं। एक होता है आपराधिक यानी क्रिमिनल, एक होता है सिविल मामला दीवानी मामला। ठीक है, अब इसमें देखिए भारतवर्ष में श्री धर्म जाति संप्रदाय उपजाति किसी और भी अपराध के क्षेत्र में सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता है, लेकिन जो सिविल मामले में वहां पर समान नागरिक संहिता नहीं है। हिंदुओं के लिए अलग रोज, मुसलमानों के लिए अलग, ईसाइयों के लिए अलग। अब आप समझिए कि एक व्यक्ति ने वो हिंदू है, अपराध किया है, उसको अलग तरीके से दंडित किया जाएगा। अपराध मतलब सिविल मामला, ध्यान रखना, या क्रिमिनल की बात नहीं कर रहा हूं, सिविल की बात कर रहा हूं। इसलिए आप बिल्कुल स्पष्ट समझना कि सिविल मामले में एक व्यक्ति जो हिंदू है उसने किसी कार्य को अंजाम दिया और एक मुसलमान, लेकिन दोनों का जो फैसला होगा, दोनों का जो तरीका होगा, दोनों को उसके बारे में जो मतलब जो क्रियाविधि होती है डिफरेंस होती है। लेकिन आप देखिए क्रिमिनल में देखिए कि अगर किसी व्यक्ति ने हत्या कर ली, हत्या की है, तो उसको 302 लगेगा। हमारे आईपीसी की धारा 302 लगती है, 302 के तहत उसको सजा मतलब उस पर धारा 302 लगेगी। इसके तहत आगे का जो सजा का प्रावधान है उसको प्राप्त होगा। अब उसमें किसी व्यक्ति ने किसी की हत्या की है, उस पर 302 लगा है, तो वहां पर ये नहीं देखा जाएगा कि आप हिंदू हो या मुसलमान हो या ईसाई हो या सिख हो, कोई भी, वहां समान नागरिक संहिता क्रिमिनल क्षेत्र में है लेकिन सिविल मामलों में नहीं है। ठीक है, तो यहां पर ये बात समझना है कि हमारा संविधान ये कहता है आर्टिकल 44 में कि भारत में सभी नागरिकों के लिए, चाहे सिविल मामले हो क्रिमिनल हो, समान नागरिक संहिता लागू होगी, जिसमें सभी धर्मों जातियों बिरादरियों संप्रदाय के लोगों के लिए एक समान कानून व्यवस्था होगी, एक समान कानून व्यवस्था होगी, किसी को भी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो हमने आपराधिक क्षेत्र में तो लागू कर दी, लेकिन सिविल मामलों में अभी तक नहीं। अब आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप समझिए। अभी हमारी सरकार ने गए वर्ष 3 तलाक बिल पारित किया, 3 तलाक बिल। अब उसमें क्या होता है, जैसे आप इसको इस पर समझिए कि एक हिंदू व्यक्ति है, हिंदू व्यक्ति अपनी पत्नी को अपने विवाह संबंध को विच्छेद करते हैं, तलाक देता है, तो उसको बाकायदा कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। फैमिली कोर्ट में जाएंगे, वहां पर वाद लगाएंगे, वहां पर हो सकता है आपको 1 साल 2 साल 3 साल या 4 साल लग सकते हैं तलाक लेने में। लेकिन इस काम 3 तलाक कानून बनने से पहले मुसलमानों के लिए क्या था कि कोई भी मुसलमान व्यक्ति अपनी पत्नी को अपनी बीवी को 3 बार तलाक 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 बोल देता था तो तलाक हो जाता था। अब आप देखिए कि एक मामला एक ही है कि तलाक हिंदू व्यक्ति को कोर्ट की बकायदा प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, एक लंबा समय लगता है, उसके बाद अंतिम तलाक होता है। और एक मुसलमान जो केवल 3 बार तलाक बोलने के बाद संबंध विच्छेद हो जाता था, तो ये सिविल मामले में 2 प्रकार के अलग अलग तरीके थे। अब सरकार ने ये अलग बात है कि हमारी सरकार ने गए वर्ष कानून बना दिया कि अब कोई भी मुसलमान व्यक्ति अपनी पत्नी को 3 बार तलाक बोलने के बाद वो विवाह संबंध विच्छेद नहीं माना जाएगा, वो तलाक अवैध होगा, उसको मान्यता नहीं मिलेगी। सरकार ने अब कानून बना दिया, लेकिन समझने के लिए मैंने आपको एग्जाम्पल दिया।
तो देखो ये सिविल मामले दोनों ही, तलाक एक सिविल मामला है, तो इसमें अब हिंदुओं के लिए अलग प्रोसीजर है, मुसलमानों के लिए अलग है, किसी के लिए अलग है। तो सरकार को ये निर्देश दें 44 के तहत कि जिस प्रकार से आपराधिक क्षेत्र में समान नागरिक संहिता है तो सिविल मामलों में भी लागू कर दिया जाए। ठीक है, तो ये हमें समझा 44 में इस प्रकार से हमारे राज्य को ये निर्देश दें। 44-45 अनुच्छेद 45, इसमें शिशुओं की देखभाल तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के जो एलिमेंट मतलब नहीं कह सकते बिल्कुल जो शुरुआती शिक्षा है उसको देने के प्रयास के संबंध में हमारा आर्टिकल 45 रहता है, जिसमें छोटे बच्चों के शिक्षा के संबंध में प्रावधान की बात है। ठीक है, ताकि उनको एक बचपन शिशु की जो शेषावस्था होती है, जो बाल्यावस्था की तरफ बढ़ते हैं, उस शेषावस्था में एक अच्छा उनका पालन पोषण हो सके, उसको एक शिक्षा का माध्यम के तौर पर उसको जोड़ा जा सके, इसके लिए 45 हमारा ये व्यवस्था करता है। ठीक है, समझने के लिए अब जो 46 है, 46 आपको समझ में 46 क्या कहता है, अनुसूचित जाति जनजाति तथा अन्य समाज के कमजोर वर्ग दुर्बल वर्ग कि शिक्षा और अर्थ संबंधी शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि करना, यानी समाज के अनुसूचित जाति जनजाति व अन्य वंचित वर्ग या कमजोर वर्ग उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी कौन करेगा, राज्य करेगा। अर्थ यानी उनके व्यापार काम धंधा मजदूरी अर्थ का तात्पर्य हुई है, अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि करना मतलब राज्य इस प्रकार से कोशिश करेगा कि समाज के जो कमजोर वर्ग हैं अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के समुदाय हैं उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था करेगा, उनके लिए जीवन यापन करने के लिए रोजगार की व्यवस्था करेगा और संबंधित जो भी क्रियाकलाप होते हैं उनकी पूरी पूरी व्यवस्था करने की जिम्मेदारी किसके पास है, राज्य के पास है। तथा हर तरह के शोषण किसी भी प्रकार का सामाजिक आर्थिक यानी किसी प्रकार का जो भी शोषण होता है और जो भी उनके साथ सामाजिक अन्याय होता है उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी किसके पास रहेगी, राज्य। राज्य ये पूरी कोशिश करेगा कि कोई व्यक्ति किसी का शोषण नहीं कर सकता, हरेसमेंट नहीं कर सकता, स्पष्ट ये आर्टिकल 46 स्पष्ट बताया गया कि समाज के दबे कुचले वर्ग समाज के जो मुख्य धारा से वंचित वर्ग जो मेन स्ट्रीम से आउट है ऐसे सभी वर्गों के लिए शिक्षा और उनके जीविका उपार्जन की व्यवस्था करनी है, लेकिन उनका किसी भी प्रकार से शोषण नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का उनका शोषण चाहे वो सामाजिक अन्याय किसी भी अन्य क्षेत्र से जुड़ा हो कुछ भी उनके साथ नहीं हो, उनका जीवन गरिमामय जीवन जिया जा सके इसकी पूरी पूरी व्यवस्था राज्य को करने को कहा गया स्पष्ट 46। 47 ये बताता है लोगों के पोषाहार स्तर। देखिए आपने अपनी पिछली कक्षाओं में छोटी स्कूली शिक्षा में आपने पढ़ा होगा संतुलित भोजन, स्वस्थ जीवन के लिए संतुलित भोजन अनिवार्य है, इसको आप अच्छे से समझते हैं। सरकार की कोशिश रहती है क्योंकि देश का भविष्य कौन है, यही बच्चे यही युवा आगे देश को संचालित करने वाले, तो अगर हम कमजोर होंगे तो हमें फिर बाद में किसी भी स्तर से सशक्त होने के लिए बहुत दिक्कत है, इसलिए जो बचपन है जो बाल्यावस्था है जो किशोरावस्था है उसमें ये ध्यान रखा जाएगा प्रत्येक परिवार और परिवार मतलब राज्य ये निर्देश करेगा राज्य ये व्यवस्था करेगा राज्य ऐसे उपयुक्त व्यवस्था करके हरेक व्यक्तियों के पोषाहार स्तर यानी उनके जीवन मतलब अच्छे ढंग से शरीर सशक्त हो बीमार ना हो कुपोषण से ग्रसित ना हो इसलिए ध्यान रखा जाएगा उनका संतुलित भोजन प्रदान किया जाए पोषाहार स्तर को अच्छे ढंग से रखा जाए तथा जीवन स्तर को ऊंचा करने जिस गरीबी में हो तो गरीबी से ऊपर उठना जो जीवन स्तर को अच्छे ढंग से जिया जा सके एक जीवन की जो मूलभूत आवश्यकताएं सबकी पूर्ति हो सके उसको कहते हैं अच्छा जीवन स्तर। तो अच्छे जीवन स्तर की प्राप्ति के लिए तथा लोक व्यवस्था में सुधार करने लोक यानी हमारी कानून व्यवस्था में सुधार करने के लिए ठीक है करने को प्राथमिक कर्तव्य माना गया है। बिल्कुल एक प्रकार से कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण कर्तव्य माना गया क्या कर्तव्य माना गया लोगों को पोषाहार स्तर जीवन स्तर ऊंचा करने और लोक व्यवस्था में सुधार करना एक प्रकार से प्राथमिक कर्तव्य माना गया है राज्य के लिए ये ध्यान रखें। तथा राज्य ये भी ध्यान रखेगा जो मादक द्रव्य जो हानिकारक द्रव्य है
जिसका सेवन करने से हमारे शरीर पर, हमारे परिवार पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो ये देखिए, ये कभी न कभी प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष से राष्ट्र को भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए समाज से जो ये प्रकार के मादक द्रव्य हैं, हानिकारक नशीले पदार्थ हैं, उनको सेवन के उपयोग पर एक प्रकार से पूरा हुआ प्रतिबंध लगाने का भी निर्देश किया गया। अब देखिए, शराब है या जितनी भी नशीले पदार्थ हैं, हेरोइन है, चरस है, इसमें है या और भी किसी प्रकार के नशीले पदार्थ कुछ शामिल होते हैं, इनको राज्य के द्वारा प्रतिबंधित करने का पूरा पूरा निर्देश है। अब देखिए, जैसे गुजरात की बात करते हैं, गुजरात में शराब प्रतिबंधित है, गुजरात राज्य में शराब का निर्माण नहीं होता, नहीं बिक्री की जाती, नहीं निर्माण किया जाता, ठीक है। गांधी जी इसका विरोध करते थे शराब का, तो गांधी जी का गृह राज्य होने के नाते गुजरात सरकार ने यह आदेश अपना लंबे समय से है कि कोई भी गुजरात राज्य में कभी शराब का निर्माण किया जाए या नहीं बिक्री की जाएगी। तो इस प्रकार से ये राज्यों पर निर्भर है कि राज्य इस प्रकार के जो हमारे नीति निर्देश तत्व हैं उनका पूरी तरह से अपनी नीतियों में लागू करने का प्रयास करेगा, ये राज्य की इच्छा पर छोड़ा। अगला जो 48 है, 48 में आपको ये समझना है, क्योंकि देखो भारत एक कृषि प्रधान देश है और हमारे यहाँ पर कृषि और पशुपालन दोनों सामूहिक रूप से किया जाता है, दोनों ही सामूहिक रूप से किया जाता है। तो कृषि तथा पशुपालन का संगठन आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों के अनुसार पारंपरिक तौर तरीकों से हमें कृषि में भी नवीनतम तकनीकों का प्रयोग करते हुए कम भूमि पर ज्यादा से ज्यादा पैदावार कैसे की जा सके, मौसम के अनुकूलित कम पानी में ज्यादा उत्पादन, ये सब वैज्ञानिक प्रणालियों का तथा पशुपालन जिसमें ज्यादा दूध, ज्यादा ये जो ऊन है या फिर ज्यादा से ज्यादा इनका मतलब जो हमें उत्पादन होता है वो कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसका एक मतलब तरीका है वैज्ञानिक प्रणालियों का प्रयोग करते हुए उसमें इस प्रकार से उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है तथा साथ ही पशुओं की नस्ल में सुधार, ठीक है, वो वैज्ञानिक प्रणालियों से संभव है। साथ ही गोवध है, इसकी हत्या पर प्रतिबंध लगाने का भी हमारे इस आर्टिकल 48 में कर प्रावधान कर, ये राज्य के लिए, ठीक है। दूसरा, पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन करना। देखो पर्यावरण है तो हम हैं, पर्यावरण प्रदूषित होगा तो हमारा जीवन आने वाली सदियों में मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पर्यावरण का नुकसान होने से हम सभी को पता है कि कितना हमको विभिन्न क्षेत्रों से भुगतना पड़ता है। जितनी भी प्राकृतिक एक जो सिस्टम बना हुआ है उसके साथ छेड़छाड़ करने से प्रकृति में ही अपना सब कुछ स्वरूप बदल रही है। तो हमारे लिए जरूरी है कि पर्यावरण रहेगा तो हम रहेंगे, तो पर्यावरण का संरक्षण अर्थात जो है उसका संरक्षण करो, संरक्षण करके बैठना नहीं है, उसमें संवर्धन करते है उसको बढ़ाते हो, ज्यादा से ज्यादा पर्यावरण को सुरक्षित रखो उसको बढ़ाते हो। तथा वन व वन्य जीवों की रक्षा, वन होंगे तो वन्य जीव हैं, लेकिन इसलिए आप 2-3 दशकों से 4 दशकों से देखो कि ऐसे ऐसे हमारे वनों का क्षेत्रफल बिल्कुल कम होता जा रहा है और उन वनों में जो निवास करने वाली वन्य प्रजातियां थी, वन्य जीव थी, वो दिन प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं, उनकी संख्या बहुत ही कम हो जाती है, यहाँ तक कि कुछ तो बिल्कुल लुप्त ही हो चुके हैं। हम केवल चित्र देख सकेंगे कि ये इसी जमाने में इस पृथ्वी पर ये इस प्रकार के जीव विचरण करते थे, ठीक है। तो ये हमारी प्राथमिक दायित्व बनता है, पहला महत्वपूर्ण कर्तव्य बनता है व्यक्तिगत तौर पर भी और राज्य का भी, कि वो अपने क्षेत्र में वन पर्यावरण वन्य जीवों की रक्षा की पूरी पूरी जिम्मेदारी निभाएगा। अब ये राज्य विभिन्न कानून व्यवस्था के द्वारा कर सकता है, देखभाल कर सकता है, लेकिन एक जिम्मेदारी हमारी भी बनती है कि हम इनकी देखभाल करें, इनको सुरक्षित रखें, इनको संवर्धित करें, तब ये पर्यावरण और वन वन्य जीव बच्चे रह सकेंगे, नहीं तो बहुत मुश्किल हो सकती है। अगला जो हमारा आर्टिकल है वो है आर्टिकल 49। इसमें ये बताया गया है, इसमें उल्लेख किया गया है कि जो हमारे राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक है, हमारे जो हेरिटेज पैलेस है, उन स्मारक तथा कुछ स्थान और कुछ ऐसी वस्तुएं हैं उनके पूरे पूरे संरक्षण की जिम्मेदारी राज्य की रहेगी। और उसमें ये पूरा पूरा उल्लेख करा कि जितने भी हमारे राष्ट्रीय स्मारक होंगे, स्थान होंगे और जो वस्तुएं हैं उनका पूरा पूरा संरक्षण किया जा सके और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रकार से उनके लिए ये दर्शनीय होंगे कि हमारे इस राष्ट्र की क्या धरोहर है, उनमें उनसे प्रेरित होने के लिए ये जरूरी है कि हमारे सभी राष्ट्रीय महत्व
सुरक्षित रखने का संरक्षण करने का पूरा पूरा दायित्व आर्टिकल 49 में स्पष्ट किया है। आर्टिकल 50 है वो ये है कि राज्य की जो लोक सेवाओं में राज्य की लोक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण के लिए कदम उठाना, यानी हमारी कार्यपालिका और न्यायपालिका ने बिल्कुल हर एक क्षेत्र में पृथक बिल्कुल पृथक्करण की भूमिका का मतलब कदम उठाने का स्पष्ट उल्लेख कर रखा है। आप देखेंगे हमारे संसदीय व्यवस्था और संसदीय व्यवस्था में प्राय न्यायपालिका कमजोर होती है, लेकिन हमने ऐसा ही मिश्रण किया है संसदीय और अध्यक्षात्मक प्रशासन व्यवस्था का, यू कह सकते हैं कि संघात्मक और एकात्मक का ऐसा अलग अलग का मिश्रण है जिसमें हमने हमारी संसद से न्यायपालिका को पृथक कर रखा है। न्यायपालिका का संसद के द्वारा किसी पर भी हस्तक्षेप नहीं होता है, तो बिल्कुल पृथक रखने का पूरा पूरा ये आर्टिकल 50। इसलिए राज्य ये ध्यान रखेगा कि विभिन्न प्रकार की जो लोक सेवा है लोक सेवाओं में कार्यपालिका न्यायपालिका किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं हो, बिल्कुल पृथक रहे ताकि अपना अच्छे ढंग से अपना दायित्व निभा सके। लास्ट है हमारा आर्टिकल 51। देखिए भारत विश्व शांति का संदेश देता है। वसुधैव कुटुंबकम की एक विचारधारा को स्वीकार करता है कि केवल हम ही नहीं हम पूरे विश्व को एक परिवार मानते हैं, इसलिए शांति सद्भावना की हमेशा बात करता है। हमारा आर्टिकल 51 भी यही कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करने का प्रयास करेगा राज्य, ठीक है। कहीं पर भी आक्रमकता कहीं पर भी युद्ध जैसी स्थिति का कदम नहीं उठाएगा भारत। कोशिश करेगा कि किसी भी प्रकार का कोई इस प्रकार का तनाव भी हुआ तो मध्यस्थता के द्वारा उस समस्या का समाधान करेगा, ठीक है। तथा जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी समझौते हैं संधियां हैं उनका पालन करेगा, उनका पालन करेगा, ठीक है। और शांति को अपना जो भी अपने राष्ट्र को देते हैं उनकी पूर्ति करेगा, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात करता है। ये हमने समझे हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 कि किस किस अनुच्छेद में क्या क्या उल्लेख कर रहा है, ठीक है, ये समझे। अब आपके मन में एक प्रश्न स्वाभाविक है कि हमने जो 36 से 51 तक पढ़े ये हमारे राज्य के लिए आदर्श राज्य के लिए निर्देशक, तो क्या राज्य ने इन सभी अनुच्छेदों का परिवर्तन कुछ काम किया भी है या नहीं, ये प्रश्न बनता है। तो देखिए सबसे पहले आप देखेंगे कि हमारे भारत स्वतंत्र होने के बाद इन सभी नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखते हुए पहला कदम क्या उठाया, पहला कदम उन्होंने ये उठाया था कि जितनी भी भूमि सुधार कानून जितनी भी जिम्मेदारी उन्मूलन के काम संबंध में जो कानून बनाए गए थे उनका मकसद यही था कि हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू किया जा सके। आई बात समझते हैं, जमींदारी और जमींदारी उन्मूलन से समय में जो भी कानून बनाए गए थे भूमि सुधार वो सब इनसे ही मिलती थी। दूसरी आप देखेंगे कि हमारी सरकार के द्वारा जिस प्रकार से 5-year plan पंचवर्षीय योजना 5 साल की योजना बना के हमारे राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में विकास की जो योजना बनाई गई उसका भी मूल भाव क्या था, नीति निर्देशक तत्वों को लागू किया गया ताकि समाज के सभी कमजोर वर्ग वंचित वर्ग दुर्बल वर्ग अन्य पिछड़े हुए वर्गों के कल्याण के लिए राज्य सार्वभौमिक कल्याण चौमुखी विकास के लिए क्या क्या कर सकता है, इसके लिए हमने देखा कि पंचवर्षीय योजना के द्वारा भी इसको लागू करने की बात की गई है नीति निर्देशक तत्वों। इसके अलावा और भी देखें तो आप देखेंगे कि जो हमारे सरकार का जो हमारे लोकतंत्र जो तीसरा स्तर है स्थानीय स्वशासन इसको पंचायती राज व्यवस्था कहा जाता है, पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने का मूल भाव भी क्या है आर्टिकल 40 का पढ़ा राज्य के नीति से तत्वों को लागू करना, तो पंचायती राज व्यवस्था को लागू करना भी एक प्रकार से कह सकते हैं हमारे नीति निधि से तत्वों को ही लागू किया गया। साथ ही आप देखेंगे हमारे समाज के जो कमजोर हो रहे हैं कमजोर वर्गों के लिए जो अलग अलग विधियां बनाई गई जो जो सहायता प्रदान की गई हर एक प्रकार से वो भी हमारे इंडियन को फ्री करते हैं। सामाजिक सुरक्षा बच्चे बुजुर्ग महिला उनके कल्याण से संबंध में जो योजना है सब कुछ किसकी फलीभूत है नीति निर्देशक तत्व, तो कह सकते हैं कि हमारे संविधान लागू होने के बाद में कई नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का सरकार के द्वारा कार्य हुए। आपने देखे होंगे कि इंदिरा गांधी के द्वारा बड़े बड़े बैंकों और बड़े बड़े उद्योगों को जो राष्ट्रीयकरण किया था उसका भी मूल भाव क्या था नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना और उनको लागू करने का मूल फलीभूत।
शिक्षा का अधिकार लागू करना, निःशुल्क होने वाली शिक्षा को लागू करना, तो ऐसे हजारों सरकार के द्वारा काम किए गए हैं ताकि हमारे नीति निर्देशकों को लागू करके भारत की जनता का, भारत के नागरिकों का चौमुखी विकास कर सकें और एक लोक कल्याणकारी राज्य का आदर्श की प्राप्ति कर सकें, उसके शांति की प्राप्ति कर सकें।